एटा के एसएसपी निवास में विनय वर्मा के समय में पकड़ों की फिरौतियां हुई। और इतना ही नहीं, प्रोफेसर साहब इतने चतुर आदमी हैं कि वो हमेशा माननीय मुलायम सिंह जी पे सवार रहे, और मुलायम सिंह जी अपने गढ़ में किसी भी अपने विरोधी को, यादव विरोधी को, इनका परिवार 100% पसंद करने का काम नहीं करता है। मुलायम सिंह यादव जमीनी नेता थे, बचपन से नेता थे, 13 साल की उम्र से नेता थे रामगोपाल जी, और रामेश्वर सिंह यादव, जोगिंदर सिंह यादव, इन तीनों लोगों ने हम पे झूठे मुकदमे लगवाने शुरू किए। रामेश्वर यादव के परिवार से आपके संबंध कैसे हैं? देखिए, 8 विधानसभाओं के लिए जितना सेंट्रल फोर्स आया था, उसमें से 3 विधानसभाओं का सेंट्रल फोर्स तो सिर्फ और सिर्फ अलीगंज में हमारे बूथों पर लगाया। नमस्कार दोस्तों, मैं भीष्म प्रताप, आप देख रहे हैं जी गंगा टाइम पर। अभी हमारी बसेस चुनावी चर्चा चल रही है एटा लोकसभा में, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, आसपास के जो भी ज़िले हैं, कि आखिर माहौल क्या है, उसी को लेकर आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अवधपाल सिंह चौधरी, अवधपाल सिंह यादव जी हमारे साथ हैं। इनसे कुछ चर्चा करेंगे कि आखिर माहौल अब की एटा और फर्रुखाबाद में क्या रहेगा, इसको लेकर भी कुछ चर्चा करेंगे, और इनसे जानेंगे कि आखिर इनके कुछ राजनीतिक सफर में जब से शुरुआत हुई और अब तक क्या है, अभी क्या चल रहा है, इसके बारे में इनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी अवधपाल सिंह यादव जी, स्वागत है आपका जी गंगा टाइम में। धन्यवाद। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी लोकसभा चुनाव नज़दीक आ गया है जी, आचार संहिता भी लग गई है जी, जी, तो क्या लगता है कि इस बार समाजवादी पार्टी ने एटा से भी देवेश शाख को प्रत्याशी बनाया है, और उधर फर्रुखाबाद में भी शाख की प्रत्याशी पर दाव आजमा है, नवल किशोर शाख हैं प्रत्याशी जी, जी। तो आपको क्या लगता है कि इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी में आप हैं तो क्या भाजपा की राह आसान रहेगी इस बार? क्या देखिए, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों ने जनता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे काम किए हैं, और उसी के कारण जो है उत्तर प्रदेश में 2019 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में जो स्थिति रही है उससे अच्छी स्थिति रहेगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि एटा लोकसभा और फर्रुखाबाद लोकसभा पर जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी देवेश साके और नवल किशोर साके आए हैं जी, ये दोनों चुनाव तो अच्छा लड़ेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशी बहुत आसानी से जीतेंगे। मुकेश राजपूत 2014 में पहली बार लोकसभा में जीते थे, जब रामेश्वर सिंह यादव ने अलीगंज विधानसभा से लगभग 1.25 लाख वोट प्राप्त किया था, और उसके बावजूद भी मुकेश राजपूत बहुत अच्छे वोटों से जीते थे, और दोबारा में मनोज अग्रवाल उनके सामने चुनाव लड़े थे 2019 में, तो मनोज अग्रवाल को भी उन्होंने बहुत अच्छे वोटों से हराया था, और इस चुनाव में भी मुकेश राजपूत जी बहुत अच्छे से चुनाव जीतेंगे। मुझे पिछले चुनाव में 2022 के चुनाव में 10 दिन 5 अलग अलग विधानसभाओं में भेजा गया था, और मैं जहाँ जहाँ जाता था वहाँ पे सबसे पहले आदमी माननीय योगी जी की कानून व्यवस्था की तारीफ करते थे, उसके बाद दूसरे नंबर पर सब लोग जो है बिजली की तारीफ करते थे, और तीसरे नंबर पर ये जो गल्ला जो है अनाज देने की, गरीब लोगों को फ्री की योजना है, इसकी बहुत तारीफ करते थे। हमारे दोनों सांसद, चाहे वो फर्रुखाबाद के सांसद हों चाहे वो एटा के सांसद हों, दोनों सांसद बहुत आराम से जीतने का काम करेंगे और योगी जी के नेतृत्व में काम करेंगे। ये थोड़ा इसको चुनाव को थोड़ा हल्का सा थोड़ा बाद में सवाल करना चाहेंगे हम पहले ये पूछना चाहेंगे आप के बारे में, जैसे सबसे पहले आपने चुनाव कब जीता था, आप राजनीति में मतलब कौन से क्षण में आए थे, ये थोड़ा बताइएगा।
देखिए राजनीति में जहाँ तक हमारा और हमारे परिवार का संबंध है तो हमारे पिताजी 1923 में पैदा हुए थे और लगभग 14-15 साल की उम्र से ही जो है 1937 से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में कार्य किया। क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पेंशन नहीं ली, जिसके कारण से आज उनका नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में नहीं है। हाँ, उसके बाद हमारे पिताजी ने 1957 में ग्राम प्रधान का पहली बार चुनाव लड़ा और जीते, और उसके बाद एक चुनाव ग्राम प्रधान का और लड़ा, फिर वो दूसरा चुनाव ग्राम प्रधान का जीते। उसके बाद प्रधान रहते हुए 1962 में हमारे पिताजी पहली बार अलीगंज ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख बने। अच्छा। और उसके बाद एक बार और ब्लॉक प्रमुख बने और ब्लॉक प्रमुख रहते हुए 1967 में पहली बार एमएलए बने। उसके बाद 1974 में दूसरी बार एमएलए बने। उसके बाद 1980 में तीसरी बार एमएलए बने और उसके बाद 1989 में चौथी बार एमएलए बने। और इसी बीच में हमारे पिताजी 1969 में 54 वोट से हराई गई बेईमानी से। उसके बाद हमारे पिताजी 1977 में 1450 वोट जो है कठिंगरा गांव के दो बूथों के काउंट नहीं किए गए और हमारे पिताजी को 310 वोटों से हरा दिया गया। तब जीता कौन था उनके सामने? 1969 में श्री सतीचंद शर्मा जीते थे और 1977 में श्री गेंदालाल गुप्ता जी जीते थे। उसके बाद 1985 में कंप्लीट काउंटिंग के बाद उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार कंप्लीट काउंटिंग के बाद लगभग 18-20 दिन बाद रीपोल कराया गया दो बूथों का, गढ़िया जगन्नाथ का, और हमारे पिताजी को 341 वोटों से हराया गया। उस समय ठाकुर उदयवीर सिंह राठौर उस समय एमएलए जीते थे। अच्छा, कांग्रेस से थे? जी, वो कांग्रेस से जीते थे और कांग्रेस की केंद्र में और प्रदेश में दोनों जगह सरकार थी, सरकार के कारण जीते थे। और उसके बाद चौथी बार हमारे पिताजी 1989 में जीते। उसके बाद 1983 में मैं अलीगंज ब्लॉक का उप प्रमुख बना था। उस समय मेरी उम्र 23 वर्ष थी। मैं तो बचपन से राजनीतिज्ञ हूँ। मैंने अपने पिताजी रहे हैं तो जी मैं पिताजी रहे, उसके साथ साथ मैंने 1967 में जब मेरे पिताजी पहला चुनाव लड़े थे तब मैंने 1967 में अलीगंज नगर पंचायत थी उस समय, उसमें जो है पूरे दिन रिक्शे पे बैठकर अपने पिता के लिए वोट मांगता था। उसके बाद 1969 में मैं अपने पिता के लिए बचपन में रिक्शे पर बैठकर वोट मांगता था। 1974 में मैंने जो है उस पर क्या नाम, उस समय पर्चियां लिखी जाती थी, पर्चियां आज की तारीख में पर्चियां चुनाव आयोग देता है, उस समय पर्चियां कैंडिडेट लिखवाता था अपने बस्ते बनवाने के लिए दो, उस समय हमने पर्चियां लिखने का काम किया। और 1977 में जब अगला चुनाव हुआ तो मैं अपने पिता का डिप्टी इलेक्शन इंचार्ज बन गया था। और उसके बाद जब अगला चुनाव हुआ 1980 में तो मैं अपने पिता का इलेक्शन इंचार्ज बन चुका था। उसके बाद मैं 1983 में अलीगंज ब्लॉक का उप ब्लॉक प्रमुख बन गया था। 1988 में मैं अलीगंज ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख बन गया था। और 1988 में मेरी उम्र जो है लगभग 29 साल रही होगी। और उसके बाद में जो है मैं 1991 में पहली बार अलीगंज विधानसभा से एमएलए चुना गया। अच्छा, 1991। उस समय मेरी उम्र 31 वर्ष रही थी। उसके बाद मैं 1993 में पुनः मैं अलीगंज से एमएलए बन गया था। और तो उस समय कौन सी पार्टी में थे आप? मैं उस समय पहले चुनाव में समाजवादी जनता पार्टी से बना था एमएलए 91 में, और 93 में मैं समाजवादी पार्टी से एमएलए बना था। उसके बाद मैं मेरा विवाद हो गया माननीय नेताजी से, मुलायम सिंह जी से, क्योंकि उन्होंने मुझे 1994 में समाजवादी पार्टी का विधायक होते हुए मुझे कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव
वो स्वयं हरवाया था, वो मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद में 1995 में माननीय मुलायम सिंह जी ने मुझे, मेरे भाई को अमरपाल सिंह यादव को, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हरवाया, स्वयं हरवाया। इन दोनों चीज़ों से मैं प्रताड़ित होके मैंने समाजवादी पार्टी को 1995 में 23 मई 1995 को मैंने माननीय मुलायम सिंह यादव को की पार्टी छोड़ने का काम। उस समय सरकार सपा की थी, उस समय सरकार समाजवादी पार्टी की थी। अच्छा। और 23 मई 1995 को माननीय मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री थे। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, जैसे आप राजनीति में पहले से सक्रिय हैं, यहाँ एटा में जैसे अभी समाजवादी पार्टी से ज़्यादा सक्रिय रहे हैं, 3 बार विधायक रहे हैं, आपके गांव के करीबी हैं, पास के ही हैं रामेश्वर यादव, तो रामेश्वर यादव के मतलब परिवार से आपका संबंध जो बिगड़ा था, मतलब किस वजह से वो सपा में आए, फिर आपने सपा को छोड़ा, वो पहले आए या फिर उनके आने के? वो समाजवादी पार्टी में जब मैंने पार्टी छोड़ दी, समाजवादी पार्टी जिला पंचायत का चुनाव हुआ, सॉरी कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव हुआ था 12 मई 1994 को। उसमें माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने एटा के कुछ नेताओं के कहने से मुझे चुनाव हरवाने का काम किया था, और कांग्रेस के कैलाश यादव को कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव जितवाने का काम किया था। ये बात हमको बहुत ख़राब लगी, और हमारे भाई का डायरेक्टर का नाम हम यूपी गवर्नमेंट से करा लाए थे, और हमारे भाई का नाम जो है हटाने का काम किया। इस बात से हम लोग बहुत प्रताड़ित हुए कि हमारे, हम समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और हमारे भाई का डायरेक्टर का नाम भी जो है हटाया गया और जोड़ा नहीं गया दोबारा। उसके बाद जब 95 में जिला पंचायत का चुनाव हम लड़े तो हमारे पास 37 में से 24 वोट थे, और 24 वोटों के बावजूद जो है माननीय मुलायम सिंह जी ने कम से कम 10 वोट हमारे स्वयं तोड़ने का काम किया, स्वयं। और जब स्वयं तोड़ने का काम किया तो उस बात से प्रताड़ित होकर हमने जो है 22 मई 1995 को जिला पंचायत का चुनाव हुआ, हमारा भाई लड़ रहा था चुनाव, और हमने जो है जिस दिन हमारा भाई 22 मई 1995 को चुनाव हारा, हमने 23 मई 1995 को समाजवादी पार्टी छोड़ने का काम किया। अच्छा, रामेश्वर यादव से आपके संबंध ये कब बिगड़े थे, उनके परिवार से? ये रामेश्वर सिंह यादव, जब ऐसा था, रामेश्वर सिंह यादव अपने जीवन में पहली बार 1983 में ज्येष्ठ प्रमुख जैथरा बनने के बने थे, और उसके बाद जैथरा के जो ब्लॉक प्रमुख थे श्री रघुवीर सिंह यादव जी, जो 83 में बने थे ब्लॉक प्रमुख, वो लगभग 2-2.5 साल बाद ख़त्म हो गए। और उनके ख़त्म होने के बाद रामेश्वर सिंह यादव जैथरा के कार्यवाहक ब्लॉक प्रमुख बन गए। हाँ, कार्यवाहक ब्लॉक प्रमुख बन गए। उसके बाद 1988 का जब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव आया तो रामेश्वर सिंह यादव ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ना चाहते थे, और इधर रघुवीर सिंह यादव का बेटा ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ाना चाहता था। तो रघुवीर सिंह यादव जी के बेटे को हम लोग चुनाव लड़ा रहे थे, और रामेश्वर सिंह यादव को उस समय अलीगंज के जो नेता थे, जितने हमारे विरोधी नेता थे, समाजवादी पार्टी से रहे, कौन वो जो रामेश्वर यादव को जो सपोर्ट कर रहे थे, वो मतलब किस पार्टी के लोग थे? वे लोग सबके सब भाजपा के थे। अच्छा, भाजपा के थे जी। उनमें प्रमुख रूप से, और कांग्रेस के थे, उनमें प्रमुख रूप से ठाकुर उदयवीर सिंह राठौर उस समय विधायक थे वो सपोर्ट कर रहे थे, श्री गेंदालाल गुप्ता जी उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, डॉक्टर महादीपक सिंह साक्य उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। मतलब आप एक तरह से एक तरफा थे। हाँ, हम एक तरफ थे, और ये जयप्रकाश पांडे जी सपोर्ट कर रहे थे, ये प्रदीप गुप्ता सपोर्ट कर रहे थे, और ये क्या नाम, ठाकुर बिजेंद्र सिंह चौहान सपोर्ट कर रहे थे, और क्षेत्र के छुटवइये नेता सपोर्ट कर रहे थे। तो एक तरह से हमारे पिताजी अकेले
अच्छा अकेले प्रभात को सपोर्ट कर रहे थे, बाकी हमारे पूरे अलीगंज विधानसभा के जितने नेता थे जिस पार्टी के भी थे आपके विरोध में, वो सब हमारे विरोध में रामेश्वर सिंह यादव के साथ में, हाँ रामेश्वर सिंह यादव के साथ थे। और रामेश्वर सिंह यादव ने हमारे अलीगंज विधानसभा में पहली बार ब्लॉक में, ब्लॉक जैथरा में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में वोटों को खरीदने का काम किया। अच्छा, हाँ मैं अलीगंज में लड़ रहा था, मैंने एक भी प्रधान को नहीं खरीदा और तब मैं 48 वोट से जीता था ब्लॉक प्रमुख ही अलीगंज, हाँ अलीगंज में। और रामेश्वर सिंह यादव ने कम से कम 15-17 वोट खरीदने का काम किया। इन सब नेताओं के रहते हुए और उसके बाद रामेश्वर सिंह यादव 3 वोट से जीते थे जिसमें एक वोट कैंसिल था, मतलब एक तरह से 2 ही वोटों से रामेश्वर सिंह यादव जीत पाए थे। इतने नेताओं का साथ होने के बाद, इतने सब नेताओं का साथ होने के बावजूद, तो इस तरह से रामेश्वर सिंह यादव 88 में ब्लॉक प्रमुख बन गए। फिर आपकी अदावत कैसे बढ़ती गई इनसे? नहीं, फिर अगला जब हम पहला चुनाव लड़े 91 में, तो 91 में स्वर्गीय बीरी सिंह यादव MLC जो रहे थे 2 बार, उनकी पत्नी हमारे सामने MLA का चुनाव लड़ी और वो बहुत कम वोट पाई थी, 10,000 भी नहीं वोट पाई थी। उस समय रामेश्वर सिंह यादव उनके साथ थे। अच्छा। उसके बाद जब अगला चुनाव आया तो अगले चुनाव में जो है 1993 के चुनाव में रामेश्वर सिंह यादव जनता दल से चुनाव लड़े हमारे सामने। अच्छा, अलीगंज विधानसभा से? हाँ अलीगंज विधानसभा से। तो इन्होंने जो है हम पर जो है, एक सरौठ गांव है अलीगंज विधानसभा में, तो सरौठ गांव में इन्होंने हम पर गोली चलवाई पहली बार में ही। हाँ, और उससे पहले 1991 में जनता दल से यही आज के विधायक जो है सत्यपाल सिंह राठौर हमारे सामने लड़े थे, तब इन्होंने अपने गांव पर हम पे गोली चलवाई। मैं पोलिंग देखने जा रहा था, इन्होंने भी गोली चलवाई 91 में। और 93 में रामेश्वर सिंह, उस समय सत्यपाल सिंह राठौर जी ये किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे? जनता दल से। अच्छा, ये जनता दल से थे? ये जनता दल से थे, हम समाजवादी जनता पार्टी से थे। अच्छा। जिसके नेता उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव थे। अच्छा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय चंद्रशेखर जी थे। अच्छा, उसके बाद में फिर ये आपकी मतलब कभी बनी नहीं रामेश्वर यादव से तब से? अब जब इन्होंने गोली चलवा दी तो फिर कैसे बनती? उसके बाद ये लगातार जो है हमसे खिलाफत में रहे। फिर हम 93 के बाद फिर 96 का जब उन्होंने 95 में समाजवादी पार्टी छोड़ दी, तो ये जो है रामेश्वर सिंह यादव को, जो हमारे विरोधी थे समाजवादी पार्टी में, जिन्होंने हमें कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव 94 में हरवाने का काम किया और 95 में हमारे भाई को जिला पंचायत का चुनाव हरवाने का काम किया, उन लोगों ने रामेश्वर सिंह यादव को समाजवादी पार्टी में शामिल कराने का काम किया। और उस समय जो है फिर मैं जो है 95 में मायावती जी को हमने सपोर्ट कर दिया और मायावती जी ने हमको जो है कैबिनेट मिनिस्टर बनाने का काम किया। उसके बाद जब मायावती जी से भाजपा ने समर्थन वापस लिया 17 अक्टूबर 1995 को, तो उस समय राष्ट्रपति शासन लग गया। और 1996 में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद, नहीं 95 में, सॉरी 17 अक्टूबर 1995 में राष्ट्रपति शासन लग गया, तो उसके बाद जो है जब 96 में मार्च 96 के आसपास सबसे पहले लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में माननीय मुलायम सिंह यादव पहली बार मैनपुरी से लोकसभा का चुनाव लड़े और जीत गए और केंद्र में ये रक्षा मंत्री बन गए। क्योंकि राष्ट्रपति शासन था और केंद्र में माननीय मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री थे, वैसे ही पूरे सैफई के सभी लोगों ने, माननीय मुलायम सिंह जी हों चाहे प्रोफेसर साहब हों, इन लोगों ने जो है तत्काल हमारे खिलाफ़ जो है यहाँ जो है DM, SSP
अन्य अधिकारी CO SDM और सभी थानों के SHO ये सब हमारे खिलाफ़ लगा दिए। मैं तहसीलदार, मतलब ऐसा क्या मुलायम सिंह यादव जी को आपसे ऐसा क्या बैर हो गया था जो ये सब साजिश रची गई? मुलायम सिंह जी अपने गढ़ में किसी भी अपने विरोधी को और मूलतः यादव विरोधी को, इनका परिवार 1% पसंद करने का काम नहीं करता है। क्योंकि मैं ही अकेला इस पूरे के पूरे माननीय मुलायम सिंह जी के गढ़ में कैबिनेट मिनिस्टर बना था और हमारे पिताजी 4 बार MLA रहे थे, 2 बार हम MLA रह चुके थे। हाँ, और हम ईटा की अलीगंज जो विधानसभा है आपके और आपके पिताजी और जो रामेश्वर यादव के नहीं, हाँ। मैं माननीय मुलायम सिंह जी के पूरे गढ़ की बात करता हूँ, जो ये 8-10 जिले हैं। अच्छा। जैसे एटा है, मैनपुरी है, इटावा है, फिरोजाबाद है, फरुखाबाद है, आपका कन्नौज है, आपका बदायूं है, आपका अलीगढ़ है, ये इनके, मैं शाहजहांपुर के, ये जो 8-10 जिले हैं, इन जिलों में माननीय मुलायम सिंह जी ने अपने जीवन में सिर्फ एक बार एक बाबूराम यादव को, करहल वालों को, सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर बनाने का काम किया है। अन्यथा आप देख लीजिए कि फर्रुखाबाद के श्री राजेंद्र सिंह यादव 7 बार MLA रहे, उनके बेटे नरेंद्र सिंह यादव 6 बार MLA रहे। नरेंद्र सिंह यादव को 6 बार MLA रहने के बावजूद माननीय नेताजी ने मात्र राज्य मंत्री बनाने का काम किया, स्वतंत्र प्रभार भी नहीं दिया। और मैं तो कैबिनेट मिनिस्टर भी बन चुका था, बाद में मैं स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी बना। तो चूंकि मैं कैबिनेट मिनिस्टर बन चुका था इस, और 2 बार मैं विधायक रहा, 4 बार मेरे पिताजी विधायक रहे। और इतना ही नहीं, किसी जमाने में जब माननीय मुलायम सिंह जी एक सामान्य MLA हुआ करते थे, तब हमारे पिताजी का नेताजी को, माननीय मुलायम सिंह यादव को संरक्षण रहता था। तो अब नेताजी कैसे इतना बर्दाश्त कर लें कि ये 35 साल का लड़का कैबिनेट मिनिस्टर बन चुका। तो नेताजी प्रोफेसर रामगोपाल जी, ये लोग सब लोग लग गए हमारे खिलाफ। और राष्ट्रपति शासन में इन्होंने DM SSP से लेके, और SSP तो वो लगाया था जो प्रोफेसर साहब के पास साथ विनय वर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर लगा था। प्रोफेसर साहब भी लगे थे असिस्टेंट प्रोफेसर, और विनय वर्मा भी असिस्टेंट प्रोफेसर लगे थे। पक्का इनका लंगूटिया यार था प्रोफेसर साहब का, तो इन्होंने उस आदमी को लगाया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ बदमाशी कर सके। वो एटा में जब रहे हैं विनय वर्मा जी, तो विनय वर्मा जी के समय में आप समझ लिए SSP निवास में क्या क्या नहीं हुआ। अच्छा जी, एटा के SSP निवास में पकड़ों की फिरौतियाँ हुई। एटा के SSP निवास में विनय वर्मा के समय में पकड़ों की फिरौतियाँ हुई, और इतना ही नहीं, मूर्तियों की बरामदगियाँ हुई। हाँ, ये सब होता था उस समय। हमने अपने जीवन में कभी ये नहीं सुना कि SSP निवास में इस तरह के कोई कुकृत्य होते हों। मतलब सरकार समाजवादी पार्टी की थी उस समय, राष्ट्रपति शासन था, राष्ट्रपति शासन था, नेताजी रक्षा मंत्री थे। अब राष्ट्रपति शासन में तो केंद्र की चलती है ना, राष्ट्रपति शासन में तो सिर्फ और सिर्फ केंद्र की चलती है, चाहे किसी की भी सरकार हो। तो मतलब ये मुलायम सिंह यादव के कहने पे ये सब कुछ हो रहा था, ये सब प्रोफेसर साहब के कहने से हो रहा था। मुलायम सिंह जी के जो भाई थे, रामगोपाल भाई हैं, प्रोफेसर साहब के कहने से हो रहा था। और इतना ही नहीं, उस चुनाव में तो हमें ईमान और धर्म से अपनी जान बचानी भारी पड़ गई। चुनाव क्या लड़ रहे थे, जान बचानी भारी उस समय पड़ रही थी। और रामेश्वर सिंह यादव का कम से कम 32,000 के लगभग वोट जो है, 47,000 इन्हें मिला था, जिसमें 32,000 वोट लगभग कैप्चरिंग का था, 32,000 में 14 इनका था और लगभग 18-20,000 हमारा और सत्यपाल सिंह राठौर उस समय 96 में लड़ रहे थे बसपा से, सत्यपाल सिंह राठौर का भी था, जिसमें 6-7 हज़ार सत्यपाल सिंह राठौर का था, 10-12 हज़ार हमारा था। और एक काम और हुआ,
उस चुनाव में 8 विधानसभाओं के लिए जितना सेंट्रल फोर्स आया था उसमें से 3 विधानसभाओं का सेंट्रल फोर्स तो सिर्फ और सिर्फ अलीगंज में हमारे बूथों पर लगाया गया, हमारे बूथों पर लगाया गया, और हमारा कम से कम 15-20 हज़ार वोट डालने नहीं दिया गया। 15-20 हज़ार हम लोगों का कैप्चर करा लिया, 15-20 हज़ार डालने नहीं दिया, मतलब नेट कम से कम हमारा वोट जो है कम से कम 20 हज़ार वोट का नुकसान करके हमको 6,500 वोट से हराया गया। और इतना ही नहीं हुआ, सत्यपाल सिंह राठौर 7,500 से हार रहे थे, हम 6,500 से हार रहे थे। तो प्रोफेसर साहब ने रामेश्वर सिंह यादव को पूछा किस किस को कितना वोट मिल रहा है, तो जब उन्होंने बताया रामेश्वर सिंह ने कि अवधपाल जो है वो दूसरे नंबर पे है और सत्यपाल तीसरे नंबर पे, तो उन्होंने पूछा कितना कितना वोट है, तो इन्होंने जब बताया तो उन्होंने उस समय के गौतम आरो था एडीएम, उसको 20 गालियां बेवजह दी और गालियां देकर कहा अवधपाल का वोट सत्यपाल के में लिख दे और सत्यपाल का वोट अवधपाल के में लिख दे, और वो वोट हमारा उनके खाते में लिखवाया गया, उनका हमारे खाते में लिखवा के हमको थर्ड कर दिया गया। 95 के बाद हमें पूरे जीवन टारगेट किया गया, हम एक चुनाव नहीं लड़े, हम जिला पंचायत का चुनाव 95 में लड़े थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, हमारा भाई लड़ा था, और उसके बाद 2000 में हमने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया भाजपा की कार्यकर्ता के रूप में, और 14-14 वोट बराबर, कारण हर चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेता प्रोफेसर साहब कम से कम 3 या 4 टिकट बांटते हैं एमएलए के, और हमारे पास एक भी टिकट नहीं है। जोगिंदर सिंह फोन लगा के प्रोफेसर साहब को कह देते हैं कि साहब ये बात करेंगे आपसे, जैसे अनार सिंह देवाकर थे उस समय, अनार सिंह देवाकर से उन्होंने तुरंत कह दिया तुम्हें हम टिकट देंगे, तुम क्यों चिंता करते हैं, और बाद में टिकट दिया भी गया। हाँ, एकाल लोगों को टिकट दिया गया, ज़्यादा लोगों को नहीं दिया गया, अनार सिंह देवाकर को दिया गया, और इसी तरह से एक रामकिशन यादव थे जलेसर इलाका के, उन्हें भी टिकट दे दिया, एक और किसी को सज्जन को टिकट दे दिया, इसके बावजूद हमारी पत्नी 14-14 वोट बराबर रही, और 9 वोट जो है इनके मानी कल्याण सिंह जी की पार्टी की रहे 2000 में पार्टी इन्होंने छोड़ दी थी ना, आपको ध्यान हो या ना हो, मानी कल्याण सिंह जी ने 2 बार पार्टी छोड़ी है भारतीय जनता पार्टी, एक बार तो 9 में लड़े थे अलग 2009 के चुनाव में, हाँ उससे पहले छोड़ी, अच्छा, एक बार सन 2000 जब 1999 में मानी कल्याण सिंह जी को हटा के राम प्रकाश गुप्ता जी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था उसके थोड़े दिन के बाद इन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, अपनी पार्टी बना ली थी, तो उसी समय इनका कैंडिडेट जो है एटा से जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था, उसे 9 वोट मिले थे, हमें 14 मिले थे, और सपा वाले को 14 मिले थे अजय यादव को। हाँ, अगर वो 3 कैंडिडेटों को टिकट नहीं देते तो हम तभी जीत गए होते। फिर जब वो चुनाव दोबारा हुआ तो हमारी पत्नी को 13 वोट मिले, 1 वोट से हमारी पत्नी हार गई। फिर हमने 2010 में अपने बेटे को चुनाव लड़ाया, इन्होंने 4 टिकट बांटने का काम किया, 1 टिकट तो बजीर सिंह यादव को, बजीर सिंह यादव एटा जिले में है अभी, फिर और अभी उसमें आ गए ना, आ गए वो अलग बात है, लेकिन वो हैं, उनसे पूछा जा सकता है, उन्हें टिकट देने का प्रोफेसर साहब ने वादा किया टेलीफोन पे, तो एक मेंबर गया, एक मेंबर जो है ये थे क्या नाम आसपुर के, एक नाम याद नहीं है इस समय मुझे, वो कौम से नट हैं, एक उनको देने का काम किया जलेसर से, एक जलेसर से कोई कमज़ोर कौम का आदमी शेड्यूल कास्ट था, एक उसको देने का काम किया, अंत में एक ठाकुर साहब हैं टुल्लन टुल्लन उन्हें कहते हैं, जलेसर इलाके के हैं बागड़ के पास के, तो जब एटा में कहीं उन्हें नहीं सूझा कि एटा में कहाँ दे दें ऐसे टिकट, तो उन्होंने कहा सिकंदर आ रहा हूँ मैम तुम्हें देंगे,
अच्छा टोलन ठाकुर को। अच्छा टोलन ठाकुर, हाँ ठाकुर बाबू है ना वो सिकंदर राव, तुम्हें जो है सिकंदर राव से देंगे। चार टिकट देने के बावजूद हमारा बेटा 13-13 वोट बराबर रहा। तो हमारे साथ एक आध बार थोड़े बीती है, हमारे साथ तो बहुत बार बीत चुकी है। अच्छा, सपा समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव और उनके जो है कजिन भाई प्रोफेसर रामगोपाल जी, रामगोपाल जी हमारे खिलाफ इसलिए लगे रहते हैं कि जोगिंदर ने अपनी साली की शादी करा दी, रिश्तेदार हो गए ना उनके, रिश्तेदार साली से हुए। हाँ, हाँ, हाँ। और हमारे छोटे भाई के लिए माननीय मुलायम सिंह जी की सगी भतीजी भी आई हुई है। अच्छा, हाँ एक परबाबा के नाती माननीय मुलायम सिंह यादव है, एक परबाबा के नाती हमारे छोटे भैया के, मतलब आपका भी संबंध मुलायम सिंह यादव से पहले वैसे रिश्तेदारी 1987 से। अच्छा, इन्होंने तो जब ये सपा में चले गए 95 के बाद तब इन्होंने अपना रिश्ता बनाया। समाजवादी पार्टी में रामगोपाल, प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी की आज भी चलती है उनकी, तो ऐसा आज भी नहीं, वो हमेशा से चली है। प्रोफेसर साहब इतने चतुर आदमी हैं कि वो हमेशा माननीय मुलायम सिंह जी पे सवार रहे और माननीय जो है अब अखिलेश जी पे सवार हैं वो प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर साहब बड़े चतुर आदमी हैं और योग्य तो हैं। समाजवादी पार्टी को मतलब फायदा भी तो होता होगा, फायदा तो इतना ज्यादा हो, समाजवादी पार्टी चाणक्य के कहे जाते हैं वैसे, फायदा तो इतना ज्यादा हो रहा है कि समाजवादी पार्टी हारती है 8 बार जीतती है 1 बार, इतना फायदा है। अच्छा, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव के जमाने में और अभी जैसे अखिलेश यादव नेतृत्व कर रहे हैं अभी सपा का, तो आपके हिसाब से मतलब उस टाइम पे ठीक थी या फिर अभी इस समय उनके जो मेनू है? मुलायम सिंह यादव जमीनी नेता थे, बचपन से नेता थे, 13 साल की उम्र से नेता थे। जी 13 साल की उम्र से उनके गुरु थे चौधरी नत्थू सिंह यादव, विधायक करहल, वो उन्हें दंगल से लाए थे और फिर नेताजी उन्हीं के नेतृत्व में उन्होंने जो है कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया। माननीय चौधरी नत्थू सिंह यादव ने ही 1967 में माननीय मुलायम सिंह जी को अपनी विधानसभा जसवंत नगर देने का काम किया, चुनाव लड़ाने का काम किया, टिकट दिलाने का काम किया और ज़्यादा से ज़्यादा चंदा देने का काम किया, खुद और दिलाने का काम, क्योंकि माननीय मुलायम सिंह यादव 1967 से पहले कोई किसी प्रकार का चुनाव नहीं लड़े, सीधे MLA लड़े, लेकिन बचपन से उन्होंने जनता के इतने ज़्यादा करीब रहे नेताजी, जिसकी कोई सीमा नहीं है। नेताजी स्वयं में बचपन से नेता थे और माननीय अखिलेश यादव जी को एक बहुत बड़े नेता का पुत्र होने का परिणाम मिला, वरदान मिला, राजनीति उन्हें विरासत में मिली और नेताजी ने राजनीति जो है जमीन से सीखी है, जनता का काम जमीन से किया है, MLA बने हैं, पहले सामान्य MLA रहे, उसके बाद जो है धीरे धीरे 13 महीना बाद ही चुनाव हार गए। 1969 में जो चुनाव हुआ उसमें नेताजी हार गए, तो 5 साल नेताजी पूर्व विधायक के रूप में रहे। 74 में जीते तो लगभग 1 साल बाद नेताजी जो है जेल चले गए। अच्छा। हाँ, जो इमरजेंसी लगी 75 में उसमें जेल चले गए, जेल में 19 महीना रहे। अच्छा। फिर उसके बाद निकल के आए तो 77 में तीसरा चुनाव जीते और तीसरा चुनाव जीतने के बाद फिर चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में वो जो है पहली बार सहकारिता मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बने। वहाँ से फिर नेताजी फिर 80 में हार गए, 80 में माननीय मुलायम सिंह जी पुनः चुनाव हार गए और ये 2 चुनाव हारने के अलावा 1969 में नेताजी MLA हारे, 1980 में नेताजी MLA हारे, उसके बाद जीवन में कोई चुनाव हारे ही नहीं नेताजी। और जब से ये 2012 के चुनाव में अखिलेश यादव को जब कमान सौंपी उसके बाद में 17 के बाद तो ये हारते ही जा रहे हैं। देखिए 2012 में माननीय अखिलेश जी के चेहरे पर चुनाव नहीं हुआ। हाँ,
2012 का चुनाव जो हुआ है एमएलए का उत्तर प्रदेश में, वो चुनाव माननीय मुलायम सिंह जी के चेहरे पर हुआ। अब चूंकि वो पिता थे, उनके मन में आया कि बेटे को मुख्यमंत्री बना दें, उन्होंने बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया, बेटे को आगे बढ़ाया। हाँ, बेटा मुख्यमंत्री बन गया। तो नेताजी के चेहरे पर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने हैं 2012 में, अपने चेहरे पर नहीं बने। 2012 के बाद माननीय अखिलेश जी 17 में जब चुनाव लड़े अपने चेहरे पे तो हार गए। तब से अपने ही चेहरे पे हारे नहीं, बहुत बुरी तरह हारे। हाँ, 2017 में तो मतलब आप याद कर लीजिए, 2017 में कितने एमएलए थे अखिलेश जी? 45 के लगभग थे, मतलब 50 से नीचे ही थे। अच्छा, इस बार अखिलेश जी दोबारा लड़े जब अपने चेहरा पे 2022 में, तो अच्छे एमएलए उनके जीते, लेकिन सरकार बनाने तक नहीं आ पाए। एक बात फिर हम वही रखना चाहेंगे कि अभी इस समय रामेश्वर यादव के परिवार से आपके संबंध कैसे हैं? देखिए, रामेश्वर अभी तो दोनों लोग जेल में हैं, रामेश्वर यादव और जोगिंदर सिंह यादव जेल में हैं दोनों लोग। रामेश्वर सिंह यादव और जोगिंदर सिंह यादव जब जेल में गए, उससे पहले रामेश्वर सिंह यादव ने झूठे मुकदमों में हमें जेल में भिजवाया। 2012 की सरकार समाजवादी पार्टी की जैसे ही बनी, वैसे ही प्रोफेसर साहब रामगोपाल जी और रामेश्वर सिंह यादव, जोगिंदर सिंह यादव, इन तीनों लोगों ने हम पे झूठे मुकदमे लगवाने शुरू किए। इन्होंने हम पर एक झूठा बलात्कार का मुकदमा लगवाया। अच्छा, 2012-17 के बीच में? हाँ, 12-13 के बीच में ही लगवा दिया। अच्छा, 12 में लगवा दिया। 12 में? हाँ, 12 में जैसी सरकार आई। हाँ, सरकार आते ही इन्होंने 2-3 महीने बाद लगवा दिया और कई मुकदमे लगवाए। और मुकदमों की बात आप करो तो रामेश्वर सिंह यादव ने तो हम पे जब जब वो सरकार में रहे तब तब उन्होंने हम पे झूठे मुकदमे लगवाए। और झूठे मुकदमों की अगर बात करो तो आज की तारीख में हम पे लगभग 28 मुकदमे चल नहीं रहे 28 मुकदमे उन्होंने लिखवाए लगभग, रामेश्वर सिंह, जोगिंदर सिंह ने एक दो मुकदमा छोड़ के सब मुकदमे इन्हीं दोनों लोगों ने, मैं प्रोफेसर साहब के लगवाए, प्रोफेसर साहब के निर्देश पे लगवाते ये थे। तो इन्होंने हम पे मुकदमे लगवाए, हम जैसे तैसे जो है अधिकारियों से कह के कि हमने भाई झूठा है, अधिकारी सुन लेते थे तो उस ख़त्म करा देते थे, जो अदालत में चला जाता था वो धीरे धीरे चल के अपने हिसाब से ख़त्म हो जाता था। तो उसके बाद में जो है जब 12 में इन्होंने लगवाना शुरू किया, सबसे पहले तो शायद आपको ध्यान हो ना हो, जैथरा में हमारी सरकार में, बसपा सरकार में इन्होंने वो दो सोनारों के कत्ल इन्होंने इन्होंने ही करवाई थी। अच्छा, हाँ, करवाई भी इन्होंने और लगवाई हम पर बाद में। क्या एक गनर था उनमें, यादव, गनर यादव प्रताप जो स्कूल है जिसका, उन्हीं का प्रताप के भाई और भतीजे को मरवाया था, और एक गनर उनके पास यादव था फर्रुखाबाद जिले का, बाद में उससे हम पे लगवा दिया, हमारे पूरे परिवार पे, हम तीनों भाई और हमारा बेटा, चारों पे लगवा दिया। तो उसमें जैसे ही सपा सरकार बनी, CBCID की जांच इन्होंने अखिलेश जी पे करा के एक दिन भी कोई जांच करने नहीं आया और चार्जशीट लग गई। ऐसा नहीं होता कहीं, चार्जशीट भी लग गई। तो उस मुकदमे को हम झेल रहे थे तब तक जो है इन्होंने एक बलात्कार का एक महिला से झूठा लगवा दिया। तो बलात्कार में उस समय आसाराम बापू और जाने कौन कौन बड़े लोग, राम रहीम, ये सब फंस रहे थे। उन पे तो बहुत रुपया, उनने तो सबने जाने कितना कहां कहां से रुपया लिया है, और हमने तो राजनेता के रूप में भी जो है पैसा नहीं कमाया। तो हमने बेटे से कहा, हमने बेटा, हमने कहा हमको ये लगता है कि इन लोगों की योजना जो है हम लोगों की सजा कराने की है, और हमने इससे बेटर है कि अब ये स्थान ही छोड़ देना चाहिए। तो हम लोगों ने ये स्थान छोड़ दिया और लगभग
हम 2.5 वर्ष फरार रहे। इस बीच में जो है हमको जो है हमने रिट डलवाई हाई कोर्ट में, उससे हमको स्टे मिल गया। उसके बाद आप जेल भी गए? नहीं, उसके बाद तमाम मुकदमे लग गए थे ना, तो फिर हमें जेल जाना पड़ा जून 15 को, 2.5 साल बाद। अच्छा, कितने दिन रहे थे जेल में करीब? मेरे ख्याल से 10 दिन कम 8 महीने रहे। लेकिन हम सरेंडर नहीं हुए, किसी के आगे सरेंडर नहीं हुए। उसके बाद जब इन्हें मुकदमे लगने शुरू हुए रामेश्वर सिंह जोगिंदर सिंह को, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इन पर कोई मुकदमा 2017 से नहीं लगवाया, पहले भी नहीं कभी लगवाया। हमने इन पर कभी कोई मुकदमा नहीं लगवाया। हाँ, आपकी भी सरकार 2007 में, तब आप मंत्री जी थे, लेकिन ऐसा है उस समय के मुकदमे जितने इन पर लगे थे वो इन पे टुच्चियाई लगी थी लोगों ने लगवाए। किसी ने लिखाया कि ये हमारी गिट्टी चुरा ली गई, किसी ने लिखाया ये हमारी ईंटें चुरा ली गई, किसी ने लिखाया इन्होंने हमारा कमरा गिरा दिया, किसी ने लिखाया कि इन्होंने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। इस तरह के टिकिया चोटाई मुकदमे जिन लोगों ने लगाए, और उसमें हम बता दें आपको, आपको ध्यान होगा नहीं होगा, मायावती जी जब 2007 में चीफ मिनिस्टर बनी, तो मायावती जी ने चीफ मिनिस्टर बनने के बाद पहला आदेश किया कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने जो गुंडागर्दी दी है और उसमें जो मुकदमे नहीं लिखाए गए हैं, वे मुकदमे एसएसपी के यहाँ एक विशेष सेल बनाकर लिखाए जाएं और 1 महीने तक लिखाए जाएंगे। उसमें लोगों ने अपने जो चाहे सो लिखाए, हमसे कोई मतलब नहीं। हम तो 11 मई को एमएलए बने। अच्छा, आपने फिर भी मतलब उस समय इन पे एक भी नहीं। अच्छा, एक भी नहीं। 11 मई 2007 को हम एमएलए बने और 11 मई को ही हमारे पास मुख्यमंत्री जी के यहाँ से फ़ोन आ गया कि आप लखनऊ आइए। 12 मई को हमने मायावती जी को नेता अपना चुना और 13 मई को मायावती जी ने स्वतंत्र प्रहार का मंत्री बना दिया और पशुपालन और डेयरी हमें डिपार्टमेंट दे दिए। तो हमने कहा इनमें डिपार्टमेंटों में ये देखें कि हम क्या डेवलपमेंट करा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों डिपार्टमेंट किसानों के हैं और हम भी किसान के बेटे हैं। हमारी मानसिकता किसानों के प्रति ज़्यादा अच्छी है, किसानों के, मजदूरों के, इनके प्रति ज़्यादा अच्छी है। तो हम वहीं कम से कम 15 दिन रहे। इस बीच इन पर मुकदमे लिख गए, जितने लिखे गए 30, 35, 34 जाने कितने लिखे गए। हम जिले पर आए तो अधिकारियों ने हमसे बात की, तो उस बात में हम लोगों की जो बात हुई, उन्होंने कहा साहब इस तरह से इतने इतने मुकदमे रामेश्वर सिंह जोगिंदर सिंह और उनके परिवार पर लिख गए। तो हमने अधिकारियों ने साफ कहा, हमने देखिए हमारी कोई मानसिकता उनके प्रति खराब नहीं है, वो खराब हो सकते हैं, हम नहीं हो सकते। जो सही मुकदमे हों उनमें कार्रवाई करिए, जो गलत मुकदमे हों उनमें हमने आपकी मर्जी, आप जो ठीक समझे सो करिए। ये बात होने के बाद फिर जो है हम अपना डिपार्टमेंट देखते रहे। फिर उन्होंने 2011 में हम पर ठोंक दिया, ये जो क्या नाम सुनारो वाला। अच्छा, उस जो भी जब ये जेथरा वाला कांड हुआ तो उस समय सरकार तो आपकी थी, तो मुकदमा थोड़े रुक जाएगा भाई। आप बताइए, 3-3 लोग मरे हैं तो मुकदमा थोड़े रुक जाएगा, बनी रहे सरकार आपकी। क्या इस समय सरकारों में नहीं मुकदमे लिखे जाएंगे? जी, मतलब आपने नहीं चाहा कि मतलब ये गलत अगर हो रहा है, अगर गलत हुआ है तो ना ना, हमारी मानसिकता ही इस तरह की नहीं कभी रही। हाँ, बुरे आदमी का काम जो भी है वो अपने आप झेलेगा। अब 2017 का चुनाव आ गया, 2017 में हम एमएलए लड़े, 12 में तो मायावती जी ने हमको टिकट नहीं दिया, बस कह दिया कि आप एमपी लड़ेंगे 14 में और अभी मत लड़िए। हम नहीं लड़े। अब 17 आई, 17 में जब हम चुनाव लड़े तो 17 में हमारे परिवार की सेवाएं, हम ये कह रहे हैं कि ब्लॉक प्रमुख सही मान लो आप, पिछली हिस्ट्री सब छोड़ दो, तो 1962 से हमारे पिता ब्लॉक प्रमुख बने, 67 से एमएलए बने। तो आप एक चीज़ देखिए,
अलीगंज की जनता ने 46,000 वोट हमको दिया, 74,000 वोट रामेश्वर सिंह को दिया, 88,000 वोट सत्यपाल सिंह को दिया। उसी दिन हमने खिलाफत रामेश्वर सिंह की जो थोड़ी बहुत थी भी मन में बंद कर दी। और उसके बाद जो है रामेश्वर सिंह पे मुकदमे नहीं लगवाए सत्यपाल सिंह ने या अन्य किसी ने। ये तो 2022 के करीब से शुरू हुए इन पे मुकदमे। अब वो मुकदमे किसने लिखवाए, उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, चाहे वो मुकदमे आसू विधायक जी ने लिखवाए, चाहे सत्यपाल सिंह ने लिखवाए, चाहे छुटवाई अन्य नेताओं ने लिखवाए, कोई उनसे कोई हमसे कोई मतलब नहीं, एक नए पैसे भर का लेना देना नहीं। अब ये जेल चले गए रामेश्वर सिंह यादव, 9 जून कब गए हैं, 21 में गए कि 20 में गए ध्यान नहीं आ रहा, लगभग उन्हें 21 महीना हो गए चले गए। 9 मार्च को इनके भैया चले गए। तो जब विधायक जी जेल चले गए तो विधायक जी 1 महीना 20 दिन बाद अलीगढ़ गए इलाज कराने। तो विधायक जी ने सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि मंत्री जी के खिलाफ गवाही न दे ये महिला, मुकदमा लिखवाया था उन्होंने और उन्होंने ही मना किया। तो माननीय भीष्म सिंह जी, भीष्म प्रताप जी, ईमानदारी की बात यह है कि वो स्वयं उन्होंने किया, हमने उनसे न कभी कहा, न आज तक हमारी उनसे कभी बात हुई, न हमारी कभी जोगिंदर सिंह से बात हुई। तो वो एक तरफ अपना कर रहे हैं, मतलब हम काहे के लिए बोले। ये सोचा होगा, ये सोच उनके मन में ये तो नहीं आ रहा है कि शायद इनसे सुलह कर ली जाए तो फायदा है अगर एक हो जाए। अब वो जो भी उनके मन में हो, हमारे मन में न कुछ था। अच्छा, अगर वो अगर पैरवी करते हैं सुलह करने की, एक हो जाए, तो आपके मन में क्या रहेगा आपकी तरफ से? हम तो जब लड़ाई के पक्षधर है नहीं है। अच्छा, हाँ, लड़े नहीं है तो हम लड़ाई के पक्षधर है नहीं। भाई सत्यपाल सिंह को देख लो आप, इन्होंने हम पे 91 में गोली चलवाई, हमने तो आज तक उन पे कभी नहीं चलवाई। इन्होंने 93 में हम पे गोली चलवाई, हमने कभी इन पे गोली नहीं चलवाई। ये तो वो लोग तो जानते हैं अच्छी तरह, हम अपनी नहीं कह रहे। मतलब आपने, आपका कहना है कि अपनी अपनी तरफ से कभी ना मुकदमा किसी पे नहीं? ना ना ना। अच्छा, आप राजनीति में, बल्कि सत्यपाल सिंह एक चुनाव था कोई, हमें याद नहीं इस समय आ रहा है, सत्यपाल सिंह के लड़कों के साथ जो है जोगिंदर सिंह रामेश्वर सिंह के लोगों ने ब्लॉक अलीगंज के अंदर काउंटिंग के समय मारपीट कराई। अच्छा, हम मदद करने गए, हम थाने में बैठे थे इनकी मदद के लिए, और जैसे ही इन्हें पता चला कि रामेश्वर सिंह यादव ने अपनी गाड़ियों के शीशे तोड़वा दिए, मुकदमा वो लिखाएंगे, ये बिना हमसे कहे तुरंत भाग गए। अच्छा, कौन मतलब ये सत्यपाल सिंह के लड़के? हाँ, अच्छा। ना लड़के नहीं, सत्यपाल सिंह स्वयं भाग गए। हाँ, और हम इनकी मदद के लिए बैठे थे। तो हम गुंडागर्दी में यकीन नहीं करते, हम बदमाशी में कोई यकीन नहीं करते, हम तो जनता की सेवा में यकीन करते हैं और पूरी जिंदगी हमें यही करते हो गया। अच्छा, जब से आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, एक तरह से पहले लगा कायस लोग सोच रहे थे कि शायद आपको 2022 में टिकट मिले भारतीय जनता पार्टी से, वो भी नहीं मिला आपको। फिर उसके बाद में ये अभी इसमें सुनने में ये भी लोगों में चर्चा थी कि 2024 के चुनाव में फर्रुखाबाद से ना 2022 में ही हमको MLC का टिकट मिल रहा था। अच्छा अच्छा, अभी अभी ये जो मतलब फर्रुखाबाद लोकसभा से सुनने में आया था कि आपको भी टिकट, मतलब आप दावेदारी में हैं, फिर उसके बाद में फर्रुखाबाद से दावेदारी की थी। अच्छा अच्छा, दावेदारी करना कोई अपराध थोड़ा है? नहीं नहीं, वो तो नहीं है, लेकिन फिर अभी आप इस समय आप मतलब कहाँ देखते हैं अपने आप को? हम कहीं नहीं देख रहे, हम तो खाली आने वाले समय में भी या तो MLA का टिकट मांगेंगे या MLC का टिकट मांगेंगे। अच्छा, तो भाजपा से? हाँ, भाजपा में आए हैं तो भाजपा में ही रहेंगे। अच्छा, आपने बहुत समय दिया, अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार जी। धन्यवाद, नमस्कार।